हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में मैदान में जमा हुआ कीचड़ खलल डाल रहा है। हालांकि पुलिस जवान, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, होमगार्ड परेड की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन कीचड़ होने के कारण परेड सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि इस बार हमीरपुर में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के मौके पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर तिरंगा फहराएंगे। गणतंत्र दिवस के लिए मैदान में तैयारियों के लिए सुबह शाम प्रैक्टिस भी हो रही है, ताकि समारोह में बेहतर प्रस्तुति दी जा सके। परेड का निरीक्षण करने पहुंचे एएसपी बलबीर सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने माना कि परेड के लिए गीला मैदान परेशानी कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की जा रही है, ताकि समारोह में ठीक से प्रदर्शन किया जा सके। उन्होंने बताया कि परेड में पुलिस की 3 टुकड़ियां, जिसमें होमगार्ड प्लाटून, एक महिला होमगार्ड प्लाटून, एक पुलिस की प्लाटून के साथ 12 स्कूल के छात्र भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस जो कि राष्ट्रीय पर्व है, उसी की तैयारी करवाई जा रही है। इसमें हमारे पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान और यहाँ पे हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे और स्थानीय जो पब्लिक स्कूल हैं उनके बच्चे काफ़ी जोश में इस रिहर्सल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसकी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, ताकि 26 जनवरी के दिन हम एक भव्य परेड का आयोजन कर सकें। और आम जनता से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परेड में हिस्सा लें 26 जनवरी को और राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ाएं। बारिश के कारण जैसे ग्राउंड थोड़ा गीला है, पर 26 जनवरी तक इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी और जो भी इसमें कमियां हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। नहीं, ये रूटीन में यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं लगती हैं आजकल, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके अभिभावक या स्कूल जो प्रबंधन है उनकी गाड़ियों से बच्चों को लाया जा रहा होगा। तो 26 जनवरी वाले दिन जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको सुचारू तरीके से किया जाता है, और कहाँ पे पार्किंग करनी है उसका पूरा पहले डिसाइड कर लिया जाएगा।